ये तो रही राजनीतिक गलियारों की बात, अब हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। आप हो, हम हो, रात में अगर 10-15 मिनट के लिए इस गर्मी के दिन में बिजली चली जाती है तो हम छटपटा से जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की बात अभी हम करने जा रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप सुनेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, उनके गाँव की तस्वीरों को देखेंगे, तो शायद आपको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं अच्छे परिस्थिति में जी रहे हैं। धनबाद से बलियापुर प्रखंड के घड़बड़ पंचायत का आदिवासी एक गांव है। इस गांव में लगभग 100 आदिवासी परिवार रहते हैं, लेकिन लगता है आदिवासी हित की रक्षा करने की कस्में खाने वाला इस राज्य में नेता और अधिकारी इस गांव का रास्ता भूल चुके हैं। अधिकारी तो रास्ता भूले ही भूले, विकास भी कहीं जाते जाते खो सा गया है। अब क्या है पूरी जानकारी, इस गांव के लोग आखिरकार कैसे जी रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। एक घर के लिए कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। झारखंड, जिसका अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। इस जंगल झाड़ वाले क्षेत्र की आत्मा है यहाँ के मूल निवासी यानी आदिवासी। यह कहने और सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसकी हकीकत इससे एकदम उल्टी है। वर्षों से आदिवासी समाज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। झारखंड के कई आदिवासी गांव आज भी विकास की बाट जो रहे हैं। बलियापुर प्रखंड अंतर्गत खड़बड़ पंचायत के खरीकाबाद दिबूडी गांव में लगभग 100 की संख्या में आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। लाख दावों और वादों के बीच भी विकास की रोशनी इस गांव तक नहीं पहुंच पाई है। यहां की महिलाएं आज भी धुएं से अपना फेफड़ा काला कर रही हैं। इस गांव के लोग एक अदद घर को मोहताज हैं। मानो सरकारी आवास योजना इस गांव का पता भूल गया हो। कई सारे रोड यहाँ से सुवेरिया माध्यम से हो गए, जिस तरह आते हैं यहाँ बेड़ाकुल तक, तो हमारे रोड जर्जर परिस्थिति में, जो कि किसी समय किसी दुर्घटना के वक्त कोई पेशेंट मरीज या किसी भी चीज़ को ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ तक कि डिलीवरी पेशेंट को भी बहुत दिक्कतें होती है। और हमारे गांव में यह समस्या है कि पानी की सुविधाएं नहीं है, चापाकल वगैरह नहीं है। और हमारे जो यहाँ जल आवास योजना है, वो पाइप तो बिछा दिए गए हैं, लेकिन टाइम पे जल नहीं आता है। एक दिन आया तो 2 सप्ताह गोन। और क्या क्या है, पानी का, रोड का, बिजली का, फिर आवास का भी समस्या है। आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। अच्छा, पानी हर घर जल योजना वाला मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, दिया हुआ तो पानी आएगा तब ना। खाली पाइप जोड़ के छोड़ दिया। पाइप जोड़ के छोड़ दिया, वो भी पूरा नहीं किया है। अच्छा, आधा करके छोड़ा है। सड़क तो पूरा कच्ची है। पूरा कच्ची है, तो बरसात में दिक्कत होता होगा। बरसात में दिक्कत होता है, फिर हम लोग का ऐसे कोई डिलीवरी पेशेंट होता है तो उसका तो और दिक्कत होता है। सरकारें लाख दावा कर ले, लेकिन सच तो यह है कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। बड़े बड़े पोस्टर और राजनीतिक मंचों से तो आदिवासी समाज के विकास को लेकर कई दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हकीकत आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अपनी हालात सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोई तो हो जो यहाँ के अधिकारियों से ये पूछने की जहमत उठाए कि आखिर इस गांव की गलती क्या है, यहाँ के लोगों का दोष क्या है, आखिर इस गांव का रास्ता सरकारी योजनाएं क्यों भूल गई है। इस बात का जवाब तो मिले, अधिकारी नेता कोई तो बताए विकास की रोशनी इस गाँव तक क्यों नहीं पहुंची। धनबाद से भारत न्यूज 24 के लिए उमेश के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, हमें आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी एक वजह है। जिस गांव की तस्वीरें हमने देखी हैं, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या 2023 में भी लोग जिस तरह से जी रहे हैं, हम समाज के तौर पर विकास किए हैं, क्या हमारी जनता जो है, जो आदिवासी को लेकर जो सरकार बात करती है, मूल निवासी को लेकर सरकार बात करती है कि उनकी सुविधाओं के लिए हम तमाम काम कर रहे हैं, पोस्टर लगवाए जाते हैं, बैनर लगवाए जाते हैं, उसमें अपना रिपोर्ट कार्ड बकायदा सरकार लिखती है,
लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल फर्जी नजर आ रही है। जमीनी हकीकत कुछ और है। विकास, आप पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने आयुष, की जो रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाते हैं और सालों साल जारी किए जाते हैं और ये बताते हैं उसमें कि हमने आदिवासी समाज के लिए ये काम किया है, ये काम किया, लेकिन धरातल पे उसकी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। और ये जो मामला है बलियापुर प्रखंड के खरकाबाद अंतर्गत धीबूडी गांव की है, जो ये पूरा गांव जो है 100 परिवार का आदिवासी गांव है आयुष। और इस गांव में ना सिर्फ पानी जैसी समस्या है बल्कि सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ इस गांव तक नहीं पहुंचा है और यहां के जो लोग हैं इन तमाम सुविधाओं से महरूम, इन तमाम जो योजनाओं हैं उनसे महरूम हैं। उनको पीने के पानी की किल्लत है। वहाँ पे आपकी सड़क की अगर बात की जाए तो जहाँ से इस गांव की शुरुआत होती है और जो जाया जाता है वो पूरी रास्ता कच्ची सड़क है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गाड़ी तो जाना दूर, पैदल चलना लोगों का दुश्वार हो जाता है। और अगर वहाँ अगर पानी पीने की पानी की बात की जाए तो सरकार कई तरीके की योजनाएं बनाते हैं, जिसमें जल शक्ति योजना हो या फिर हर घर नल जल योजना हो। हर घर नल जल योजना को लेकर के पाइप तो बिछा दिए गए लेकिन उनमें अभी तक पानी नहीं आती है। एक कुआं है, 100 परिवार का घर है वहां पे, और एक कुआं है वो भी सूखा हुआ है। एक स्कूल के विद्यालय पे मात्र एक चापाकल चलता है जहां से पूरा लोग आपस में लड़ झगड़ करके पानी भरते हैं और उसी से घर के काम के साथ साथ अपना पानी उस प्यास को भी बुझाते हैं। अगर बात की कर ली जाए उज्ज्वला योजना की, गैस की, सरकार ने ये बोल करके इस योजना को लाया था कि घर की महिलाओं को हम धुआं से निजात दिलाएंगे, चूल्हे के धुआं से निजात दिलाएंगे, लेकिन आज के दशक में वहाँ योजना उज्ज्वला योजना का जो लाभ है वो भी देखने को नहीं मिल रही है। जो महिलाएं हैं आज भी वहाँ लकड़ियों पर चूल्हा जला करके खाना बना रही है। तो कह सकते हैं जो तमाम वादे हैं सरकार के, और खास करके आयुष की हेमंत सरकार है जो आदिवासी की सरकार है, और इनके कार्यकाल में अगर आदिवासी बहुमूल्य जो गाँव है, आदिवासी बहुमूल्य जो समाज है, उन तक विकास की किरण नहीं पहुँच पा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के उन कार्यकालों पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। जी आयुष जी, आपने सरकार के कार्यकालों पर सवाल खड़ा किया। हम लगातार ये उनके भाषणों में, नेताओं के भाषणों में ये सुनते रहते हैं कि हमने आदिवासियों को संरक्षित करके रखा है, हम आदिवासियों के लिए उनकी हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 परिवार का एक आदिवासी गांव है, शायद आप उसे भूल चुके होंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप अपने लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी है उनको भूल चुके हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम आदिवासियों का समर्थन करते हैं, आदिवासियों के लिए हम खड़े हैं। चलिए ठीक है, ये तो रही नेताओं की बात, अब हम बात करेंगे अधिकारियों की। अधिकारी आम तौर पर क्या होता है कि जो लोगों की परेशानी है उससे रूबरू होते हैं, क्या समस्याएं हैं उनको जल्द निदान करने की उसकी कोशिश की जाती है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, हमें तो ये लगता है कि विकास तो रास्ता भूला ही है, साथ ही साथ अधिकारी भी इस गांव का रास्ता भूल चुके हैं। आप बताएं विकास, जब जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों के पास पहुंचते हैं इस गांव के लोग, उनका क्या रवैया होता है? उनकी बातें भी सुनी जाती हैं या फिर उन्हें दरवाजे से ही पीछे हटा दिया जाता है? आयुष बिल्कुल सही कहा आपने कि विकास तो रास्ता भूल ही गया, साथ ही साथ अधिकारी भी उस गांव के रास्ता को भूल गए, लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो लोग अपनी मांगों को, अपनी फरियादों को लेकर लगातार कार्यालय का चक्कर काटते रहे, उन अफसर साहों का कार्यालय का चक्कर काटते रहे, अपनी फरियाद को लेकर जाते रहे। कभी तो ऐसा हुआ कि अधिकारी उनसे मिलने से मना कर दिया, तो कभी तो ऐसा हुआ कि वे लोग दफ्तर में बैठे बैठे दिन काट गए लेकिन अधिकारी मिलते नहीं है। तो जब तक अधिकारी उनसे मिलेंगे नहीं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तो निदान कैसे होगा? दरअसल बात यह है कि देखिए, बलियापुर की अगर बात की जाए तो वहाँ अंचल अधिकारी हो या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी, वहाँ पे अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। वहाँ सिर्फ सुने उसके जाते हैं जो वहाँ पे बड़े तत्व के लोग हैं, जो या फिर ये यूं कहें कि वहाँ नेता हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, उनके सिर्फ सुने जाते हैं। लेकिन जब हम आपको बता दें कि इस गांव में ऐसा प्रतिदिन आ गया है आयुष कि जो वहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग हैं वो अपने जनप्रतिनिधि तक को पहचान नहीं पा रहे हैं, जो विधायक है स्थानीय उनको तक नहीं पहचान पा रहे हैं। अधिकारी छोड़ दीजिए, वो तो जाते ही नहीं है उस गांव में, जबकि चुनाव में एक बार वोट मांगने जाते हैं जनप्रतिनिधि, जो मुखिया होते हैं वहाँ के, जो विधायक होते हैं। जब हमने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बस एक ही चीज कही कि जिस समय चुनाव आया था मुखिया का, उस समय पंचायत चुनाव में वो हमको एक बार दिखे थे, लेकिन ये सोच करके हम लोगों ने उनको चुना था कि हमारे जो ये मूलभूत समस्या है उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ छले गए,
विधायक की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में विधायक आए थे एक बार आए थे, लेकिन वो कौन है हम नहीं जानते। जिता तो दिए थे, जिताए थे इस उम्मीद से, उनको वोट दिए थे इस उम्मीद से कि हमारी जो पानी की समस्या है, हमारी जो बिजली की समस्या है, हमें जो पीएम आवास नहीं मिला है, हमें जो हमारी जो सड़कें वो कच्ची है उनको पक्की बदल दी जाएगी, ये उम्मीद से उन लोगों ने वोट तो किया था, उन्हें सत्ता पर विराजमान तो करवाया, लेकिन वो लोग फिर उसके बाद नादारत हो गए, वो गाँव का रास्ता ही भूल गए। विकास, हमने तस्वीरों में एक चापानल देखा, यह चापानल हमें सरकारी व्यवस्थाओं की याद दिलाता है। जिस तरह से यह चापानल खराब है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि और उम्मीद में बैठे हैं, आस में बैठे हैं कि अब पानी आ जाएगा, अब पानी आ जाएगा। यही हाल तो हमारे सरकारी व्यवस्था का है, लोग कोशिश में लगे हैं, बातें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ओर से कोई भी काम नहीं किया जा रहा। तस्वीरों में सबके सामने है, सब सच है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन मूलभूत सुविधाएं हैं, हम शिक्षा को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। स्कूलों की क्या स्थिति है विकास, इसकी भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, इस गाँव के लोगों का वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, क्या भविष्य को लेकर भी कोई चिंता है जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को, या उसे भी भूल चुके हैं? देखिए, 100 परिवार के लोग हैं और वहाँ पर कई बच्चे भी हैं, और वहाँ पर मात्र एक स्कूल है, वो स्कूल भी मात्र 5वीं क्लास तक है, और 5वीं क्लास तक के स्कूल में महज 2 शिक्षक रहे हैं। खैरकाबाद प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर हमने जब गया तो जब देखा कि मात्र 2 शिक्षक है, उसमें से भी एक शिक्षक छुट्टी पे थे, और कुल लगभग 60 से 70 बच्चे वहाँ पर थे, और सभी बच्चों को बाहर, क्लास से बाहर जमीन पर बैठा करके उन्हें पढ़ाया जा रहा था। जब हमने वहाँ के शिक्षक से बात की कि भाई ऐसा क्यों, इतने सारे बच्चों को आप एक साथ बैठा रहे, वो भी बाहर में, जबकि क्लास में बेंच लगे हुए हैं, लाइट से पंखा है उसके बावजूद, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मात्र 2 शिक्षक है और वो भी एक छुट्टी पे है, तो हम अकेले इतने सारे बच्चों को अलग अलग क्लास में जाकर नहीं संभाल सकते, इसलिए सारे लोगों को हमने यहाँ पर एक जगह बैठा लिया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज, या फिर कहें कि आदिवासी गांव है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा शिक्षक भी उठा ले रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के जो वहां के लोग हैं, वो लोग अब साफ तौर से कह रहे हैं कि अब हम बच्चों को जो है सरकारी स्कूल नहीं भेजेंगे। हालांकि स्थिति तो दयनीय है उन लोगों की, रोटी कपड़ा मकान पर आफत है, तो शिक्षा किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अपने पेट काटेंगे, लेकिन अब जो है प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है, वो स्थिति अपने देख चुके हैं, पर कुछ भी नहीं है, शिक्षा के अभाव में उनकी हालत क्या हो रही है वो समझ चुके हैं, और शायद इसीलिए अपने वर्तमान को तो अंधेरे में देख ही रहे, अपने भविष्य को अंधकार में नहीं देखना चाहते। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। हम उम्मीद करेंगे हमारे सरकारी बाबुओं से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, कि ठीक है अपने घरों से निकलिए, अपने 50-50 लाख रुपए वाले गाड़ियों से बाहर निकलिए, और देखिए आपकी राज्य की जनता, आपके क्षेत्र की जनता आखिरकार कैसे जी रही है। जब 300 दिनों बाद आप वोट मांगने पहुंचिएगा, तो कहीं ये जवाब आपको ना मिल जाए कि आपने किया क्या, और शायद कोई ये भी पूछ सकता है कि आप हैं कौन, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि 5 साल में अगर आप एक बार जाइएगा, वो भी सिर्फ वोट मांगने, तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि आपको क्षेत्र की जनता भूल जाए। अपना भविष्य भी संवारिए, राज्य का भविष्य भी संवारिए, और जल्द काम कीजिए, और इस तरह के जितने भी गांव हैं जहां लोग परेशान हैं, उन्हें समस्या से निजात दिला सकते हैं आप।